दोस्तों झारखंड के धनबाद शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कोलियरी डिवीजन के चास नाला कोलियरी डीप माइंस खान में 27 दिसंबर 1975 को दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। इसे कोयला अंचल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। डीप माइंस खान में प्रथम पाली कार्य के दौरान 375 खनिकों ने कोयला उत्पादन करते हुए जल समाधि देकर शहादत दी थी। चास नाला खान दुर्घटना के बाद कई माँ की गोद सूनी हो गई थी, कई सुहागनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया और कई बहनों के भाई शहीद हो गए थे। कई बच्चों के सिर से पिता का साया पल भर में उठ गया था। दोस्तों 27 दिसंबर इस तारीख के दिन धनबाद कोयला अंचल को ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द यहां के बसिंदे आज भी महसूस करते। साल 1975 यही वो तारीख थी जिसे कोयला खदान में 375 मजदूरों की जिंदगी हमेशा के लिए दफन हो गई थी। दोस्तों धनबाद के विशिष्ट पत्रकार बनखंडी मिश्र उन लोगों में शुमार है जिन्होंने इस हादसे के बाद का मंजर अपनी आँखों से देखा है। उनका कहना है कि चास नाला खान हादसा देश ही नहीं बल्कि एशिया का अब तक का सबसे बड़ा भयानक खान हादसा है। मिश्र खुद उन दिनों खान सुरक्षा के पब्लिकेशन डिवीजन के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह बताते हैं कि उन दिनों इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश में उस वक्त इमरजेंसी लागू थी। 27 दिसंबर की दोपहर धनबाद स्थित डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी के दफ्तर में एक साथ कई फोन बजने लगे। खबर मिली कि चास नाला में कोई खान दुर्घटना हुई है। कालीन महानिदेशक एस प्रसाद के साथ लगभग 3 बजे चास नाला सभी पहुंचे। वहां कार्यकाल में मौजूद कुछ लोगों से पता चला कि कोलियरी के पीट नंबर 1 और 2 में कुछ हुआ है और सारे अधिकारी वहीं गए हैं। 1.5-2 घंटे बाद पुलिस, जिला प्रशासन और कोयला कंपनी के जुड़े तमाम बड़े अफसर और ट्रेड यूनियन के नेता वहां पहुंच गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि हादसा कैसे हुआ और खान में कितने लोग फंसे हैं। तत्कालीन इसकी प्रमाणिक जानकारी किसी के पास नहीं थी। फिर कुछ देर बाद साफ हो गया कि खदान के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े जलगार में जमा लगभग 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया है और इस प्रलयकारी जलापन में खदान में काम करे सैकड़ों कर्मचारी फंस गए हैं। कामगारों को बचाने के लिए सेफ्टी ऑपरेशन को लेकर लगातार मीटिंग होने लगी। ऐसा कोई उपाय नहीं, किसी को सूझ रहा था कि पानी भरी खदान में फंसे कामगारों को बाहर कैसे निकाला जाए और उनसे संपर्क का भी कोई साधन नहीं था। उस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चंडीगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रही थी और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, देश के खान मंत्री चंद्रदीप यादव, श्रम मंत्री के रघुनाथ रेड्डी भी वहां थे। इन सबको हादसे की सूचना भेजी गई। खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इधर कोलेरी के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। इनमें उन श्रमिकों के परिजन भी थे जो उस वक्त खदान के भीतर ड्यूटी कर रहे थे। लोगों को समझाना आसान काम नहीं था, फिर भी तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मण शुक्ला और एसीपी टीपी सिन्हा सहित अन्य ऑफिसरों ने बड़ी मुशक्कत से हालत को संभाला। पूरे कोयला अंचल में वह रात बेचैनी से गुजरी थी। दोस्तों कोयला कंपनियों के कार्यालयों और खान सुरक्षा महानिदेशालय में फोन की घंटियां लगातार बजती रही। दूसरे दिन भी वह राहत का कोई काम शुरू नहीं हो सका और इधर प्रबंध में उन 375 लोगों की सूचना जारी की जो खदान में फंसे थे। जल्दबाजी में मंगाए गए पानी निकालने वाले पंप छोटे पड़ गए। फिर कलकत्ता स्थित विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से संपर्क साधा गया। तब काफी समय बीत चुका था, फंसे लोगों को निकाला नहीं जा सका। दिन पर दिन गुजरते गए। खदान में फंसे लोगों में किसी के जीवित होने की आस हर रोज कम होती गई। फिर कायदे से घटना के 23 दिन के बाद रूस और पोलैंड से आई मशीनों के जरिए खदान से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। रूस से कई काबिल इंजीनियर आए थे जिनकी निगरानी में यह काम शुरू हुआ। दुर्घटना होने के 26 दिन बाद पहला शव बरामद किया गया। बताते हैं कि कई दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद कुल 356 लाशें निकाली जा सकी जिनमें 246 की पहचान नहीं हो पाई और बाकियों का तब पता नहीं चला और दुर्घटना में लाशें पूरी तरह से सड़ गल गई थी। बाद में इस हादसे की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस UN सिन्हा की अध्यक्षता में जांच का आयोग गठित हुआ। जुलाई 1976 में जांच शुरू हुई और इसकी रिपोर्ट 24 मई 1977 को सरकार को सौंपी गई। इस हादसा के लिए जिम्मेदार कई ऑफिसरों को चिन्हित किया गया और जांच में यह भी साबित हुआ कि दुर्घटना खदान के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था क्योंकि खान में रिसने वाला पानी को जमा करने के लिए बांध बनाया गया था। हिदायत भी दी गई थी कि बांध की 60 मीटर की परिधि में ब्लास्टिंग ना किया जाए, परंतु अधिकारियों ने कोयला उत्पादन के चक्कर में इन निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और हेवी ब्लास्टिंग कर दी जिससे बेरहम हादसा हो गया। उसके बाद आयोग की जांच का निष्कर्ष यह निकला कि खदान के पास अधिकारियों के निर्देशक पर कराए गए विस्फोटक की वजह से जलगार ध्वस्त हुआ और यह 375 श्रमिकों की जल समाधि की वजह बना। बाद में अदालत में चले लंबे मुकदमे के बाद कुछ सेनावृत्ति अफसरों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों जरा सोचिए, इस दुर्घटना में 375 लोगों ने जल समाधि ली। कोयले के इस खदान में अचानक करोड़ों गैलन पानी छत से तोड़कर घुस गया। इस बाढ़ में लोगों की जान बचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। दोस्तों उस समय आज की तरह बचाव के आधुनिक साधन भी उपलब्ध नहीं थे, लिहाजा मदद के लिए कई जगह बातचीत भी की गई।
लेकिन खदान में फंसे लोगों को किसी तरह की मदद नहीं पहुंच सकी। तमाम कोशिशों के बाद मजदूरों की जान नहीं बचा जा सकी। यह बहुत अफसोस की बात है, सुनकर तहे दिल से दुख होता है। दोस्तों, काला पत्थर फिल्म इसी घटना पर आधारित फिल्म है और ऐसी ही दुर्घटना पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र महावीर कोलेरी में घटी थी, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू करके मजदूरों को निकाल लिया गया था। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँ। दोस्तों, अगर आपने चास नाला दुर्घटना के बारे में सुना था तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।